हेलो स्टूडेंट, दिस इज माया रत्नेश सिंह फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय GCF 1 जबलपुर। स्टूडेंट, वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द लेसन 13, महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। एंड इन दिस video we can discuss about the popularity of Mahatma Gandhi. Dear student, this is part 3 of the lesson Mahatma Gandhi and the National Movement, lesson number 30. Now we have important topic, this is 2.2, a pupil's leader. A pupil's leader means how Mahatma Gandhi become popular leader in India. As you know, because of non-cooperation movement and because of Swadeshi and Bahishkar, Gandhiji was very popular. Then Gandhiji and other leaders are arrested by Britishers. That is why Mahatma Gandhi gained lots of respect and popularity by common people of India. And for this, we have maximum reasons. The first one, in his speech, in his speech at the opening of the BSU, he remind people that the peasant and the workers were majority of the Indian population who remained unrepresented in the national movement. Gandhiji had transformed the nationalist movement into the mass movement that was the properly representative of the Indian masses. It was Gandhi's desire to make Indian nationalism representative of the Indian people. These are important reasons how Gandhiji become the popular leader, because Gandhiji ke lokpriya banne mein bahut sare karan hai. Pehla karan, Gandhiji ne असहयोग आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया था और जनता उनका बहुत आदर करने लगी थी. गांधी जी और अन्य नेताओं को जेल भेज दिया गया था. गांधी जी 2 साल जेल में रहे और 1924 को जेल से रिहा किए गए. इस बीच गांधी जी और लोकप्रिय होते गए क्योंकि असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने सामान्य लोगों को, भारत के प्रत्येक लोग को आंदोलन से जोड़ दिया था. उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था भारत की आत्मा को, मजदूरों को, किसानों को, हर वर्ग के लोगों को राष्ट्रीयता से प्रेरित करना पड़ेगा और तभी हमें आज़ादी मिलेगी. और गांधी जी ने आम जनता को ही राष्ट्रवाद की प्रेरणा बनाया. गांधी जी की लोकप्रियता का और कई कारण थे, जैसे गांधी जी बहुत ही सामान्य दिखा करते थे. गांधी जी ने आम लोगों की तरह कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे, आम लोगों की तरह रहते थे, आम लोगों की तरह बातचीत करते थे. तो उनका व्यक्तित्व एक आम भारतीय की तरह था जो लोगों को बहुत आकर्षित करता था. द पीपल अप्रिशिएट द फैक्ट दैट द ड्रेस्ड लाइक देम, लिव लाइक देम एंड द स्पोक लाइक देम. गांधी जी की तरह ही आम आदमी रहना चाहता था, बोलना चाहता था, उन्हीं की तरह कपड़े पहनना चाहता था. इसलिए गांधी जी ने एक आम आदमी की तरह अपनी पहचान बनाई थी. ही आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद द कॉमन मैन,
दिस वॉज स्ट्रिक्टली स्ट्रिकिंगली रिफ्लेक्टेड इन द ड्रेस वाइल अदर नेशनलिस्ट लीडर्स ड्रेस्ड फॉर्मली वियरिंग वेस्टर्न सूट और एन इंडियन ड्रेसेस गांधी जी वेंट अमंग द पीपल इन द सिंपल धोती। जब भारत के अन्य नेता जो थे पश्चिमी कपड़े पहना करते थे या विशिष्ट कपड़े पहना करते थे, महात्मा गांधी जी ने साधारण धोती पहनकर आम जनता के बीच में जाकर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। इसी वजह से गांधी जी का व्यक्तित्व आम आदमियों को और अधिक आकर्षित करता था। इस बीच महात्मा गांधी खादी हैंडलूम के वस्त्र पहनने शुरू कर चुके थे और अपने वस्त्रों को वो स्वयं बनाया करते थे। महात्मा गांधी एक आकर्षक व्यक्तित्व के सामान्य से दिखने वाले आम भारतीय की तरह जीवन शैली अपनाते थे, इसलिए लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे, उनका बहुत आदर करते थे, उनसे बहुत प्रेम करते थे। इसीलिए गांधी जी को एक चमत्कारिक शक्ति के रूप में मान लिया गया था। रूमर्स ऑफ गांधी जी दैट दे आर मिराकल्स पावर्स, दे हैव मिराकल्स पावर्स। इन सम प्लेसेस इट वॉज सेड दैट ही हैड बीन सेंट बाय द किंग ऑफ रेडरेस ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर एंड दैट ही हैड द पावर टू ओवर रूल ऑल लोकल ऑफिशियल्स। गांधी जी के बारे में अफवाह फैल गई थी कि उनके पास चमत्कारिक शक्ति है, उनका जादुई व्यक्तित्व है और किसी भी तरह की समस्या का समाधान वो स्वयं कर सकते हैं, उन्हें राजा के द्वारा भेजा गया है इसलिए वो हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए आए हैं। इसलिए गांधी जी एक चमत्कारिक व्यक्तित्व के नेता के रूप में, आदरणीय नेता के रूप में भारत में उभर कर आए। लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया, लोगों ने उन्हें बहुत आदर दिया। भारत की आम जनता और गरीब लोग उन्हें अपना भगवान समझते थे। गांधी जी गरीबों के दर्द को समझने के लिए उनके जैसे ही जीवन बिताने लगे, इसलिए वो और अधिक लोकप्रिय हो गए। गांधी जी का व्यक्तित्व इतना चमत्कारिक था बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी, बिकॉज ऑफ हिज सिंपलिसिटी, बिकॉज ऑफ हिज ड्रेस, बिकॉज ऑफ हिज लैंग्वेज। गांधी जी बिकम मोर पावरफुल रिस्पेक्टेड नेशनल लीडर, दैट इज़ वाई पीपल कॉल गांधी जी लाइक महात्मा, संत, बापू, जादू बाबा, राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी बाबा, गांधी महाराज एसेट्रा एसेट्रा। सो दीज आर द टाइटल्स विच वॉज गिवन बाय द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया आफ्टर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड बिकॉज ऑफ हिज लाइफ स्टाइल एज कॉमन पीपल। सो महात्मा गांधी वॉज कॉल्ड महात्मा, गांधी बाबा, बापू, राष्ट्रपिता एसेट्रा एसेट्रा। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। द क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, यू कैन राइट द क्वेश्चन व्हाई गांधी जी वॉज बिकम वेरी पॉपुलर लीडर, व्हाई गांधी जी कॉल्ड मिराकल पर्सनैलिटीज लीडर, व्हाई गांधी जी कॉल्ड गांधी बाबा, गांधी महाराज, संत महात्मा एसेट्रा। सो गांधी इज द पर्सनैलिटी विच इज इंस्पिरेशनल फॉर ऑल इंडियन, ऑल कॉमन इंडियन। सो वी कैन से गांधी जी हैड द मिराकल पर्सनैलिटी।
आफ्टर दिस गांधी जी रिलीज्ड आफ्टर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, आफ्टर सम ईयर्स गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह, बट बिफोर दिस सत्याग्रह इन दैट टाइम सत्याग्रह इज कॉल्ड सॉल्ट मार्च और डांडी मार्च, बट बिफोर दिस सत्याग्रह ब्रिटिशर्स अपॉइंटेड साइमन कमीशन, एंड साइमन कमीशन इज द कमीशन विच इज सपोर्टेड ईस्ट इंडिया कंपनी, बट इट इज़ अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिशर्स टू इंक्वायरी द इंडियन कंडीशंस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और कॉलोनियल रूल. सो गांधी जी नॉट इन्वॉल्व इन दिस साइमन कमीशन्स प्रोटेस्टेंट, ही वॉज नॉट एबल टू प्रोटेस्ट बिकॉज ही वॉज बिजी इन बारडोली मूवमेंट इन गुजरात. So peoples are totally against of Simon Commission because this is white commission and this is not for Indian people, this is for the administration of colonial rule and the positive for the colonial for the white people. So you all know how the Indian protest to set that Simon Commission go back, and this commission is totally failed because Indians protest against this commission. After this commission, Gandhiji started Satyagraha, and Gandhiji gives speech to the common people for the motivational inspiration for nationalism. In 1929 is very important for the Indians because in first time in the end of December 1929 the Congress held its annual session in the city of Lahore. Nowadays this city is in the country Pakistan. And Lahore city is besides near Satluj, near Ravi, besides Ravi river. So in this session in 1929 Congress session held in Lahore besides Ravi river, they produce and they gives the different aims by this Congress session. This session is also called Lahore session, and already I am telling you this is just besides river Ravi. First time in this meeting was significant for two reasons: the election of Jawaharlal Nehru as chairman or as president, signifying the passing of the leadership of the Congress to younger generation, and the commitment to the Purna Swaraj. First time by this session Congress leader totally wanted full independence or Purna Swaraj. So this Congress session is very important in the national movement, and in this session declared that 26 January is celebrated as Independence Day. So Congress session in 1929 held in Lahore besides Ravi river is very important
फॉर इंडियन नेशनल मूवमेंट बिकॉज फर्स्ट टाइम द यंग जवाहर अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन एंड द लीडर एंड द प्रेजिडेंट ऑफ दिस सेशन कांग्रेस सेशन फर्स्ट टाइम बाय दिस कांग्रेस सेशन कांग्रेस वॉन्टेड पूर्ण स्वराज्य और फुल इंडिपेंडेंस एंड इन दिस सेशन 26 जनवरी इज डिक्लेयर एज इंडिपेंडेंस डे सो दिस सेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट यू हैव क्वेश्चन वॉट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ लाहौर सेशन एंड डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस लाहौर सेशन एंड इन दिस सेशन फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रोड्यूस प्रेजेंटेड देयर ओन फ्लैग ट्राइकलर इंडियन नेशनल फ्लैग विथ लोबो चरखा सो दिस लाहौर सेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया एंड द टर्निंग पॉइंट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया बिकॉज फर्स्ट टाइम लीडर्स वॉन्टेड द पूर्ण इंडिपेंडेंस फुल स्वराज फुल इंडिपेंडेंस आफ्टर दिस महात्मा गांधी वॉज स्टार्टेड सॉल्ट मार्च बिकॉज टैक्सेशन डिसाइडेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द सॉल्ट सो सॉल्ट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया सो द कांग्रेस एंड गांधी जी डिड नॉट वॉन्टेड टू डिसाइडेड टैक्स बाय द British government. So Gandhiji informed to Viceroy Lord Irwin for this salt march. On 12th of March 1930, this salt march started Gandhiji from the Sabarmati Ashram and they started salt march from the Sabarmati Ashram to the Dandi. Dandi is the besides sea coast of Gujarat near Surat and this is also important because this salt march is shows to British government the popularity of Mahatma Gandhi, unity of Indian people, national inspiration, motivation of the nationalism showed by the Indian people and this is totally success and this is called Satyagraha, Dandi March or Salt March. So this is very impressive and very successful salt march Gandhiji become popular in the world and after this Gandhiji arrested by Britishers within 60,000 Indians and after this salt march Gandhiji called Sant or political leader of India and he become the national leader, the greatest leader, the respected leader or the Sant and the father of the nation and the Gandhi Baba of Indian people. So this is very important question. You have to write what is the importance of salt march and why it is very impressive and why it is started by Mahatma Gandhi and what is the aim of this salt march. So student, this is the last topic of this part 3 video. Thank you very much.